नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। बिग बॉस सीजन 14 के घर में मौजूद हैं तीन सीनियर्स, जिसकी वजह से जूनियर्स बाहर खुल के नहीं आ पा रहे हैं, अपनी रियलिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। आखिरकार किस बात से डर लग रहा है, क्या सच है क्या नहीं है, ये हमें बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। मगर फिलहाल सीनियर्स तीन हैं और ट्रोलिंग दो की हो रही है। किसकी? कल एक बात सामने आई थी जहाँ पर ये सब कहा गया था कि सीनियर्स जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाएं और फिर हमारी रियलिटी बाहर निकल कर आए। जल्दी ही ये जाएंगे तभी हम यहाँ पे कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे में उनके रिएक्शन देखकर सिद्धार्थ तो नहीं, गौहर और हिना खान, जी हाँ, सिद्धार्थ को छोड़कर गौहर हिना खान सोशल मीडिया पर रात से ही ट्रोल हो गई। क्यों? और वहाँ पर फैंस के रिएक्शन ये आ रहे हैं कि इन्होंने अपने सीजन्स में तो कुछ इतना खास किया नहीं, इन्होंने अपने सीजन्स में तो इतना कुछ खास किया नहीं और यहाँ पर आने के बाद अपनी सीनियरिटी ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला की वहाँ पर आगे बात आई। सिद्धार्थ शुक्ला ने तो अपने ढेर सारे मोमेंट्स दिखाए सीजन 13 में लेकर। सिद्धार्थ शुक्ला ने इतने मोमेंट्स दिखाए कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, किसी के पास बोलने की बात ही नहीं है, मौका नहीं है। इतने सिद्धार्थ के मोमेंट्स से जो उन्होंने अपनी वहाँ पर प्रेजेंट किए थे फैंस के सामने, एक नहीं सोयो मोमेंट्स थे सिद्धार्थ के, चाहे वो प्यार की, दोस्ती की, या फिर किसी नोकझोंक की, या लड़ाई की, या खाने पीने की, या टास्क की, या कैप्टन की, कैसी भी बात हो, सिद्धार्थ अच्छे से अपने सारे मोमेंट्स निभाते हुए नजर आ रहे थे। मगर ऐसे में हिना और गौहर ने क्या किया भाई, ये हद से ज़्यादा ट्रोलिंग के घेरे पर चढ़ी हुई हैं अभी तक। कल वाली बात से लेकर हिना और गौहर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है कि इन्होंने अपना सीजन्स में तो कुछ इतना खास करके नहीं दिखाया और यहाँ पर एक एक को समझा रही हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, बस यहाँ पर अपना काम कर रही हैं और ये गेम खेल रही हैं, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा कहना है फैंस का, जितनी ज़्यादा ट्रोलिंग अलग अलग वे में इन दोनों को लेकर के की जा रही है। क्या सच क्या झूठ, ये तो आने वाले टाइम में ही हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा जब ये बाहर आ पाएंगी और वहाँ पर रियलिटी हमें निकलती हुई नज़र आएगी। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ अगली अपडेट्स के लिए भी। जैसे अपडेट्स बाहर निकल कर आते रहेंगे मेरा काम है आपसे शेयर करना। जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।